इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे घटना चक्र बुक के बारे में। इस बुक का ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे केवल और केवल प्राचीन इतिहास के बारे में। इस बुक में केवल उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है, सिलेक्शन है, जो आपके प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि कोई भी एग्जाम, अगर नया एग्जाम एसएससी डिजाइन करता है, बनाता है, तो 90% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में से ही वो कॉपी और पेस्ट करता है। मतलब नया एग्जाम कोई भी कंडक्ट करेगा तो उसमें 90% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस में से ही होंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पर। अगर आपके पास समय बहुत अधिक है तो तैयारी करने के बहुत सारे मेथड है। अगर एग्जाम में समय बहुत कम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन केवल यही होता है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पे फोकस करा जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिखाई देगा आपको एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और आपके कोई भी फ्रेंड जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यह है भारतीय इतिहास का पार्ट वन, और इससे पहले हमने इस बुक के मध्यकालीन भारत के सभी पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इसकी पूरी बुक खत्म हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जा करके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट वन की ओर। इसमें हम बात करेंगे केवल सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा हमसे कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो थी क्या थी। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमको दे रखा है बीच में, ये हमको फिल करना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। आप इसको डायरेक्ट याद करिए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर टू कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ये पूछ रहे हमसे कौन सी उक्ति सही है, तो हमको सही है पे फोकस करना है और चारों ऑप्शंस बड़े ध्यान से रीड करने हैं। तो सबसे जो सही उक्ति है वो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ करा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ करा, उपासना शुरू करी, उसकी पूजा पाठ करनी शुरू करी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के जो घर थे वो एक्चुअली ईंटों से बने होते थे। ठीक है, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे, इस संस्कृति के अधिकांश जो मकान है, भवन है, घर है, वो सभी क्या है, ईंटों के बने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी, चौड़ी और सीधी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। याद रखना, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी एक दूसरे को किस एंगल पर, किस कोण पर काटती थी। आपको याद रखना है समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर फाइव है हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा के निवासी किस प्रकार के थे, शहरी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित थे। बात करें हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोनों की कंडीशंस आपको याद रखनी है। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और बात करें मोहनजोदड़ो की तो ये है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये थे कपास के उत्पादन में। तो कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी, इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंधन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला था। तो ये फैक्ट जो हमने हाईलाइट कर रखा है और मैंने रेड कलर से जो अंडरलाइन कर रखा है, तो इस पर आप फोकस करिएगा और इसको नोट करिएगा। नोट्स बनाना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम दो बार वॉच करिएगा, एक बार बिना नोट्स के, सेकंड टाइम जो आप नोट्स बनाएंगे तो बोल बोल के उसको लिखना। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको याद करने की सीमा बहुत आपकी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के
के घोतक निम्न में से कौन थे? मुद्राएं मिली थी वहां से खुदाई पे, मिट्टी के बर्तन मिले थे, नाव मिली थी या मकान मिला था? तो ये थे मुद्राएं। हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लाइन हम पढ़ रहे हैं रेड कलर से, जो अंडरलाइन कर रखी है उसके बारे में, ठीक है। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो थी कांस्य युग की। और क्वेश्चन नंबर 10 कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय था कृषि करना। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 12, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ये था चनहुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हड़प्पा। ये आप याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? हड़प्पा। और उसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। और वर्तमान में यह कहाँ पर है? यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा, एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशंस कहाँ पर है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है ये, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? उसका नाम है धान्यागार। उसका नाम क्या है? धान्यागार। यह जो भवन है सबसे बड़ा भवन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये करा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अपवाह तंत्र होता है ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें से नाली की निकासी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ये स्टार्टिंग किसने करी थी? ये करी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 17, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? माप तोल की जो पद्धति अपनाई गई, जो प्रचलन स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से हुआ? ये खोज जो हमें प्राप्त हुई थी वो हुई थी लोथल से। लोथल से हाथी दांत का बना एक मापक तंत्र मिला है, एक मापक यंत्र मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा मतलब डक यार्ड का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका राइट आंसर होगा टेरा कोटा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? टेरा कोटा। क्वेश्चन नंबर 19 कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी कृति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। नृत्य करती हुई बालिका की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? भाई देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं FCI 2012 के एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मूर्ति के बारे में कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, और जो किससे बनी थी एग्जाम में ये पूछता है, वो बनी थी कांसे से, और यह जो मूर्ति थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ठीक है, किसका संबंध इससे नहीं है? नहीं है, फिर ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन नहीं है ऐसे पूछता है, हमको लगता है कि वो है पूछ रहा है, नहीं पे हमारा ध्यान नहीं जाता और हम लोग अपना रॉन्ग आंसर चूज करके आ जाते हैं। तो इसलिए नहीं है का बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर है P.S. वत्स। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये था दयाराम साहनी। क्वेश्चन देखिए, दयाराम साहनी से संबंधित कुछ फैक्ट और दिए हैं उसने। 1921 से 1922 में सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
तत्कालीन जो है मॉन्टगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर करा। क्वेश्चन नंबर 24 कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आप याद रखना, ये वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष था 2004। क्वेश्चन नंबर 25 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो ये था लोथल, और लोथल कहाँ पर है, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप है। ठीक है, आपसे पूछेगा लोथल कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा अहमदाबाद में गुजरात जिले में, और किस गांव में, गांव का नाम था सरगवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था, तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 27 कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, टेराकोटा जो मतलब कि ईंट बनी थी उसमें कुछ चिन्ह अंकित थे। ठीक है, और ये एक्चुअली टेराकोटा बोलते हैं मिट्टी की आकृति से बने हुई जो इमेज होती है, जो मूर्ति होती है, उसमें भैंस का आकार, भेड़ का आकार और सुअर का आकार, इन सब का आकार था, इन सब के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन विद्यमान नहीं है। देखिए दोबारा वो नहीं पे फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं है तो नहीं का रिप्लाई करना है, अगर है तो है पे रिप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे पालतू जानवर जो गाय थी, इसका कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की उपासना करते थे, लेकिन गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, अन्य दिए गए सभी जानवरों के इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। थोड़ा क्वेश्चन हमने पढ़े, इसमें 27। तो आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आप वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए घटना चक्र की, और वहां पे सभी वीडियो को बड़े ध्यान से वॉच करें। ये सभी वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एमसीएस एग्जाम होने वाला है, सीजीएल की आप टारगेट सेट कर चुके हैं, या फिर आपका टारगेट है एलडीसी, सीएचएसएल, 10+2, कुछ भी आपका टारगेट है, तो ये पूरी बुक आपके लिए काफी यूजफुल है। अगर ये बुक आप परचेज कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको लिंक दूंगा, आप वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नियर में कोई मार्केट है जहां से आप बुक परचेज आसानी से कर सकते हैं, तो वहां से भी बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक परचेज नहीं करनी, फ्री में कोई जुगाड़ है तो देखते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाइए, इस वीडियो को एक बार और प्ले करिए, आपको 27 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ मेरे पास में नहीं है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं छोटी छोटी पिक करके 15-15, 20-20 पेजों का एक पीडीएफ बना करके तब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप बुक को परचेस कर लीजिए। अगर बुक परचेस नहीं कर सकते, बुक के ढेर अपने ऑलरेडी लगा चुके हो आप लोग, तो फिर बुक परचेस मत करना। बुक परचेस करने का मन है तो पहले अपने आप से कमिटमेंट करिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, बुक को पूरी ईमानदारी से खत्म करूंगा। अंत में बस केवल इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उसके बाद में दोबारा इसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद आपको दिखाई देगा उसके बगल में एक बेल आइकन, तो उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसके द्वारा अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जो भी चैनल अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगेन आपसे बोलना चाहूंगा, इंतजार करना बंद करो, इंतजार करना बच्चों बंद कर दो, क्योंकि समय सही जो समय होता है वो कभी नहीं आता, उसको लाया जाता है, उसको अपने मेहनत के द्वारा बुलाया जाता है अपने पास में। फैसला अब आपको, कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी, अब आप डिसाइड करें कि आपको कीमत कब चुकानी है, अभी या कुछ समय बाद। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।